देखने स्टार्ट हुई है। ओके बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आवाज़ आ रही है क्या? एक बार आप बताइए जल्दी फास्ट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ फास्ट। सबके सब बताइए आवाज़ आ रही है क्या? बेटा आवाज़ आ रही है ना? बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ फास्ट रिप्लाई करें आप। ये क्या? अरे ये नहीं आ रहा। ये बेटा हेलो, बेटा मैं अभी चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत ही आ रही है कि सामने है ना जो आपकी स्क्रीन है वो स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा बेटा देखिए आवाज़ आ गई होगी, प्लीज़ फास्ट चेक करिए। अब आपको सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। देखो आ रही है सारी चीज़, ठीक है। देखो चलिए भाई स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा मैं अब पढ़ाना। देखिए भाई, हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था कल। हाँ तो क्या हो गया? तो बेटा कल मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया था। टाइम एंड वर्क के बेसिक्स क्लियर कर दिए थे मैंने आपको। तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो गए हों तो बेटा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गौर से सुनना बेटा, आप बताइए। आज मैं रेशियो वाला टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें नेक्स्ट टाइप है रेशियो। कौन सा टाइप है बेटा? रेशियो। तो रेशियो मेथड क्लियर कर रहा हूँ, गौर से सुन लेना आप। एक बार मैं आपको रेशियो मेथड बता दे रहा हूँ क्या है क्या नहीं है। बेटा आप सभी जानते हो एफिशिएंसी जो टाइम होता है,
टाइम किसके बराबर होता है? तो टाइम होता है वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। टाइम किसके बराबर होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी के बराबर होता है। टाइम किसके बराबर होता है बेटा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है तो बेटा आप जल्दी बताइए सभी के सभी, टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे कैसे होंगे बेटा? ये व्युत्क्रमानुपाती होंगे। कैसे होंगे? व्युत्क्रमानुपाती होंगे। कैसे होंगे बेटा? ये व्युत्क्रमानुपाती होंगे। बोलो क्लियर हुआ? कैसे होंगे बेटा? ये व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लो क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा सारा कुछ। ठीक है, अब देखो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब मैंने आपको कल समझाया था और अब मैं दोबारा बता देता हूँ। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि अगर एफिशिएंसी का रेशियो मान लीजिए 2:3 है तो हम ये कहेंगे कि भाई टाइम का रेशियो जो बनेगा वो उल्टा होगा, दैट इज़ 3:2। बेटा ये बात क्लियर थी कल मैंने बताया था आपको, बताइए। और फिर मैंने आपको ये बोला था कि अगर तीन तीन व्यक्ति हैं, मान लो टी इक्वल टू आपका है 2:3:5 मान लीजिए ये है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकालेंगे? तो ये हाइट गेम लगाएंगे। कौन सा गेम लगाएंगे बेटा आप? हाइट गेम लगाएंगे उल्टा करने के लिए। तो उल्टा करने के लिए हाइट गेम लगाओ, इसको छुपा लो, 5 3 15 आएगा ये बेटा। 3 के लिए निकालने, 3 को छुपा लो, 5 2 10 आएगा ये। और बेटा 5 को छुपा लो, ये आएगा 3 2 6। बोलो समझ में आ गया क्या? तो आज के बाद हम क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं करेंगे। अगर हमें एफिशिएंसी पता होगा तो उसका उल्टा करके टाइम निकाल लेंगे, और टाइम पता होगा तो उसका उल्टा करके एफिशिएंसी निकाल लेंगे। और ऐसा करने के लिए हम किसका यूज़ किया करेंगे बेटा? हाइड गेम का। किसका यूज़ किया करेंगे? हाइड गेम का। बोलो क्लियर हुआ? और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है वो गौर से सुन लीजिए सभी के सभी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये नोट कर लें आप सभी के सभी कि जो एफिशिएंसी का रेशियो है, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का रेशियो इम्पोर्टेंट होता है। यही इम्पोर्टेंट होता है, यही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि 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 हम क्षमता को जोड़ और घटा सकते हैं, जोड़ और घटा सकते हैं, हम क्षमता को जोड़ और घटा सकते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो किसका होता है बेटा? क्षमता का होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर क्वेश्चन में क्षमता का रेशियो दे दिया जाए तो आप ये समझिए कि आपका क्वेश्चन खत्म है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम का रेशियो दे रखा है तो आप हमेशा किसका रेशियो निकालेंगे? तो आप हमेशा रेशियो निकालेंगे बेटा किसका? क्षमता का दे रखा है तो क्षमता का ही रहने दो, और अगर टाइम का दे रखा है तो आप हमेशा पहले किसका रेशियो निकालेंगे बेटा? दैट इज़ क्षमता का। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट फास्ट। चलिए भाई बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है भाई, देखिए भाई अब एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, वो गौर से सुनना। एक एग्जांपल मैं आपको क्लियर कर रहा हूं बेटा, पहले वो गौर से सुनिए। चलिए भाई एग्जाम्पल से मैं आपको सारी बातें क्लियर कर रहा हूँ, तो देखना एग्जाम्पल बेटा गौर से समझना। एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो प्लीज़ सुनिए बेटा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि मैंने ये कहा कि मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, और मैंने कहा कि उनकी क्षमता का अनुपात है मान लीजिए 2:3। इसका मतलब ए बंदा एक दिन में कितना काम कर सकता है? क्षमता का मतलब क्या होता है? पर डे वर्क। कौन सा वर्क बेटा? पर डे वर्क। कौन सा वर्क होता है बेटा? ये पर डे वर्क होता है। यानी कि एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? तो ए प्लस बी की अगर बात करूँ तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे बेटा? 5 यूनिट। दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं बेटा? 5 यूनिट। अगर दोनों मिला के एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं तो अब आपको टाइम दिया जाएगा बेटा। ध्यान रखना जब भी रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे हमेशा क्वेश्चन में एक टाइम दिया जाएगा। वो टाइम क्यों दिया जाएगा? ताकि आपको क्षमता पता है, टाइम का गुणा करके आप क्या निकाल पाएं? वर्क निकाल पाएं। तो बस कुछ नहीं करना आपको, मैंने कहा ए प्लस बी मिलकर उस काम को मान लीजिए 6 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं बेटा? 6 दिन। तो बताओ एक दिन में 5 यूनिट, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे बेटा? 30 यूनिट। तो बेटा ये 30 यूनिट जो आएगा बेटा, दैट इज डिनोट द टोटल वर्क बेटा। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। क्या हो जाएगा? टोटल वर्क।
बात खत्म। तो गौर से समझ लीजिए, जब भी रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो एफिशिएंसी का रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, और अगर एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास है तो आपको एक टाइम की जरूरत होती है, और जब आप उस टाइम का एफिशिएंसी में गुणा करेंगे तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क। और मैंने कल आपको ये बोला था कि टाइम निकालने के लिए दो ही चीज़ों की जरूरत है, एक तो वर्क पता लग जाए, एक एफिशिएंसी पता लग जाए। एफिशिएंसी क्वेश्चन में दे रखी है, वर्क हमने निकाल लिया, क्वेश्चन सारे खत्म। कहने का मतलब, अगर हमसे मान लीजिए टाइम पूछा जाए, क्या पूछा जाए बेटा, टाइम, तो टाइम ऑफ ए क्या होगा और टाइम ऑफ बी क्या होगा। तो टाइम क्या होता है, वर्क अपन एफिशिएंसी। वर्क कितना है बेटा आपका, 30 यूनिट, तो दोनों के लिए वर्क तो सेम रहेगा, 30 यूनिट 30 यूनिट। बस डिवाइड कैसे करेंगे, एफिशिएंसी, तो दो से डिवाइड करेंगे तो ये कितने दिन आएगा बेटा, 15 दिन। बोलो क्लियर हुआ। और इसको डिवाइड करेंगे बेटा 3 से, तो ये कितने दिन आएगा बेटा, 10 दिन। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो आपका आंसर आ गया 15 दिन और 10 दिन। उतार लीजिए, बात खत्म। सब कुछ शायद समझ आ गया होगा, ठीक है भाई? शायद अब रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन अब आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, सारी बातें प्लीज़ गौर से सुनना। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी, फास्ट फास्ट। मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी फास्ट बेटा। अब बेटी ठीक है, आपके आशीर्वाद से और आपसे प्यार से, ठीक है? अब आप एक काम करिए, पढ़ाई स्टार्ट करिए और आंसर बताइए प्लीज़ बेटा, हैं? जल्दी फास्ट बेटा आंसर बताएं प्लीज़। देखिए रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, आंसर बताइए क्या होगा। सभी के सभी बेटा, ये कुछ लोग ये कह रहे हैं साफ नहीं दिख रहा बेटा, अपनी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लेना एक बार। वीडियो क्वालिटी में जाकर अपनी 120 कर लो या 160 कर लो, ठीक है, 720 कर लो या 360 कर लो उसे। तो देखिए भाई, क्वेश्चन समझना प्लीज़ फास्ट बेटा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए ए बी और सी किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 36 दिन। तो आपको एक टाइम की जरूरत होती है, टाइम दे दिया। यदि ए बी और सी की क्षमता का अनुपात दे रखा है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, गौर से समझना, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ए बी और सी, ए बी और सी बेटा, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 5:6:9। तो इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5 यूनिट, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 6 यूनिट, सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 9 यूनिट। तो बेटा आप बताइए आपको टाइम किसका पता है, तो टाइम पता है तीनों का मिलाकर, तो तीनों की मिला के एफिशिएंसी क्या बनेगी। तो आप पहले ए प्लस बी प्लस सी बेटा, इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी बनेगी, 9, 5 और 6 11 और 9 20। तो एक दिन में तीनों मिलके 20 यूनिट काम करेंगे। आप बताओ कितने दिन में काम पूरा हो रहा है, 36 दिन। तो अगर मैं इनटू 36 दिन कर दूं तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो आपका जो टोटल वर्क आएगा बेटा, ये आ जाएगा 20 इंटू 36। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अब देखो वर्क आपके सामने है और आपको एफिशिएंसी सबकी पता है, तो बताइए टाइम किसका निकालना है बेटा क्वेश्चन में, बी का। तो टाइम ऑफ बी निकालना है, तो टाइम ऑफ बी क्या होगा, बस क्वेश्चन खत्म है, क्वेश्चन यही की यही खत्म है। तो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है बेटा आप बताइए, 20 गुणा 36, और एफिशिएंसी कितनी है बेटा बी की आप बताइए, 6। तो 6 से ये काट दीजिए 6 बार, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 120 दिन। सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 120। विच ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। इज इट क्लियर टू एवरी वन बेटा, चेक करिए, आंसर इज 120। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर दोबारा बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है एफिशिएंसी का। किसका रेशियो इंपॉर्टेंट होता है बेटा, एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी का जब भी रेशियो दिया जाएगा तो आपको हमेशा क्वेश्चन में एक टाइम दिया जाएगा। वो टाइम सिर्फ इसलिए दिया जाएगा ताकि आप एफिशिएंसी में टाइम का गुणा करके टोटल वर्क पता करो। और टाइम वो किसका दे रखा है, तीनों का मिला के। तो तीनों का मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 20। 20 में गुणा 36 करेंगे तो कितना हो गया, 720। और ये 720 जो वर्क है वो कौन करेगा, बी। एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो आंसर हो जाएगा वर्क अपन एफिशिएंसी, आंसर इज ओवर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर ये क्लियर हो गया हो तो आप अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी फास्ट। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी, टेल मी फास्ट। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएं जल्दी जल्दी, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया, ऐसा ही ये क्वेश्चन है बेटा, आंसर बताइए। चलिए भाई,
देखिए क्वेश्चन के अंदर क्षमता का अनुपात दे रखा है, तो बेटा क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी इनकी क्षमता का अनुपात दे रखा है, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 5:6। तो बताइए दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी बनेगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी बनेगी बेटा 11 यूनिट। बोले यहाँ तक बात क्लियर है क्या? और दोनों की मिला के एफिशिएंसी 11 यूनिट है, लेकिन दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर सकते हैं, 120 दिन में। तो आप बताइए अगर दोनों मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं 11 यूनिट, तो 120 दिन में कितना काम कर देंगे, तो 120 कर दो मल्टीप्लाई, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा बेटा आप बताइए, तो टोटल वर्क आ जाएगा 11 × 120। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये टोटल वर्क हो गया। अब हमें वर्क भी पता लग गया, हमें एफिशिएंसी भी पता है, तो बस क्वेश्चन ख़त्म। अब क्वेश्चन कह रहा है बी अकेला उस काम का सिर्फ कितना परसेंट करना चाहता है, 40%। तो बताओ कितने टाइम में कर देगा? तो भैया ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप सीधा सीधा बताइए टाइम होता क्या है, टाइम ऑफ बी निकालना है। टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है बेटा आप बताइए, वर्क है कितना 11 × 120, लेकिन इसका भी करवाना कितना है सिर्फ 40%। तो 40% ये टोटल 100% है, इस 100% का अगर 40% करवाना है तो 40% का बस गुणा कर दीजिए, तो × 40%। बोलो क्लियर हुआ? तो ये टोटल वर्क हो गया डिवाइडेड बाय बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा बताइए, 6 यूनिट, तो 6 से कर दीजिए डिवाइड। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? पहले परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो, 6 से काट दीजिए, 6 × 12, तो 4 × 8 × 11, आंसर इज 88 दिन। सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 88 डेज। विच ऑप्शन इज राइट? बी ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ? चेक करिए आपका जो आंसर आएगा बेटा वो आपका 88 डेज आएगा। वीडियो क्वालिटी बढ़वा दो। चलो मैं कोशिश करता हूँ वीडियो क्वालिटी बढ़वाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फिर दोबारा बेटा ये क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अब आपको सब कुछ समझ आएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं अब चेंज करता जा रहा हूँ। चलिए भाई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट। अब आपको वीडियो क्वालिटी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी फास्ट फास्ट आंसर बताइए। देखिए रमा है और हरी है, ये दोनों मिलकर काम को पूरा कर सकते हैं 15 दिन में। एक तो रमा है और एक हरी है, और ये दोनों मिलकर काम पूरा कर सकते हैं 15 दिन में, लेकिन रमा हरी से 2 गुना तेज है। रमा जो है वो हरी से 2 गुना तेज है। 2 गुने का मतलब एफिशिएंसी की बात की गई है, इसका मतलब हरी अगर 1 यूनिट काम करता है तो रमा 2 यूनिट काम करेगी, और इसका मतलब वो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो रमा प्लस हरी की अगर मैं बात करूँ तो 2 और 1 कितना हो गया बेटा, ये 3 यूनिट। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3 यूनिट। अगर दोनों मिला के एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकते हैं, तो आप बताओ दोनों मिला के काम कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है 15 दिन। तो आप देखिए इनटू अगर 15 दिन कर दिया जाए तो आपको यहाँ से टोटल वर्क मिल जाएगा। तो आपका जो वर्क आएगा बेटा वो कितना आएगा, एक दिन में 3 यूनिट, तो 15 दिन में 45 यूनिट काम करेंगे। बोलो क्लियर हुआ? अब ये कह रहा है कि हरी बताइए अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो टाइम ऑफ हरी निकालना है। किसका टाइम निकालना है बेटा आप बताइए, हरी का। तो हरी का टाइम क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है बेटा आपका 45, और एफिशिएंसी कितनी है बेटा आपकी 1, तो 45/1 आंसर कितना आएगा बेटा, 45 दिन। तो कहने का मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आपको रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाएँ, तो हमेशा और हमेशा उनके अंदर कुछ बात नहीं करनी, आपको सीधा रेशियो लिखना है एफिशिएंसी का, जिसका टाइम दे रखा है उसका करना है मल्टीप्लाई, यू विल गेट द टोटल वर्क। और मैंने आपको कल भी बोला था कि टाइम हमेशा बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में हर क्वेश्चन के अंदर आपको वर्क और एफिशिएंसी पता करनी है। वर्क पता लग गया, एफिशिएंसी दे रखी है, क्वेश्चन तो खत्म है ही है। बोलो समझ में आई बात यहाँ तक? बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? चलिए भाई अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी, टेल मी फास्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी के सभी। बेटा एक मिनट रुकिए, तुम सभी के सभी एक मिनट रुक जाओ, मैं दोबारा कर देता हूँ, नहीं तो बार बार चेंज ही करना पड़ जाएगा।
बेटा एक मिनट देना मेरे को, एक मिनट, नहीं तो बार बार चेंज करना पड़ेगा, ये दिक्कत आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बताइए ये वाला क्वेश्चन था, बताइए आंसर जल्दी, फास्ट फास्ट, आपको कोई टेंशन नहीं होगी अब आपको बार बार। हाँ तो बेटा व्हाट्सएप पे सेंड किए होंगे, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। चलिए भाई आंसर आ गया होगा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक दिन में किसी काम का आधा भाग, ए किसी काम का आधा भाग कर सकता है एक दिन। एक दिन का मतलब होता है एफिशिएंसी, एक दिन का मतलब होता है क्षमता की बात बोली जा रही है, यानी ए की जो क्षमता है वो आधा भाग ही कर सकता है, जबकि बी एक दिन में उस काम को पूरा कर सकता है, सी एक दिन में, सी के एक दिन का काम बी के एक दिन के काम का आधा कर सकता है। तो बताइए कार्य की क्षमता क्या होगी, क्षमता का अनुपात निकालना है। तो बेटा एक बात बताओ, क्षमता की बात तो बोल रखी है पूरे क्वेश्चन में, ए बी और सी। लो भैया सुनना आप गौर से, क्या बोल रहा हूँ गौर से सुनना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए एक दिन में, बेटा बताइए एफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन का काम ही तो होता है, वन डे वर्किंग को तो बोलते हैं एफिशिएंसी। तो आप बताइए ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, आधा भाग, सीधा पुट कर दो। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, पूरा काम, पूरा काम मतलब एक यूनिट, ये मैं पहले बता चुका हूँ, पूरा काम का मतलब है 100%, 100% का मतलब है एक यूनिट। और सी जो काम करेगा वो बी के एक दिन, सी एक दिन में कार्य, सी एक दिन के कार्य को बी के एक दिन के कार्य में आधा कर सकता है। तो सी जो काम करेगा वो बी के काम का जस्ट आधा करेगा, कितना करेगा बेटा, आधा। तो आप बताइए एक का आधा कितना बन जाएगा, 1/2। बोलो ये बात क्लियर है, लेकिन ये फ्रैक्शन किस में है बेटा, ये जो रेशियो है किस में है, फ्रैक्शन में। इसको अगर इंटीजर बनाना है तो कुछ मत करो, नीचे वाले ये दो को ख़त्म करने के लिए, इस दो को ख़त्म करने के लिए आप पूरे रेशियो को गुणा कर दीजिए, सिर्फ किससे बेटा आप बताइए, दो से। अगर आप दो से गुणा कर देते हैं तो यही रेशियो क्या बन जाएगा बेटा, 1:2:1। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का, तो 1:2:1। ओ शिट, सी के एक दिन के कारण, अच्छा बी आधा कर सकता है। बेटा एक गलती हो गई है, उल्टा पढ़ लिया मैंने, दोबारा पढ़ो, हटाओ, एक गलती हो गई वो दोबारा पढ़ो। देखो ए बी और सी, ये एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि एक दिन में कितना काम कर सकता है, आधा भाग, बी पूरा काम कर सकता है, और ये लाइन में ये कह रहा है कि बी जो काम करेगा वो सी का जस्ट आधा होगा। तो आप बताइए ये जो एक है ये किसका आधा हो जाएगा, दो का। तो अगर सी को अगर मैं दो मानूं तो दो का आधा एक होगा, तो बस बात खत्म। अब आप बताइए ये अगर फ्रैक्शन वाले रेशियो को अगर आप इंटीजर बनाना चाहते हो तो किससे गुणा कर दो बेटा, दो से। अगर दो से गुणा करेंगे तो यहाँ एक बनेगा, यहाँ दो बनेगा, और यहाँ कितना बनेगा, चार। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा, 1:2:4, आंसर इज ए ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ बेटा ये समझ में आ गया, मेरे से एक गलती हो गई थी, ठीक है। चलो चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी फास्ट, यूपी पुलिस 2016 का क्वेश्चन है ये, जल्दी बता दो आंसर, देखते ही आंसर खत्म करो, रेशियो का क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी फास्ट, कार्य का अनुपात दे रखा है, समय का अनुपात निकालना है। भैया ये तो उल्टा करना है बस, तो बताइए पी और क्यू, पी और क्यू के लिए बेटा उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, क्षमता का अनुपात दे रखा है 3:4, तो बताइए उनके टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 4:3। सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 4:3 इज डी ऑप्शन, वेरी गुड। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जिस सभी के सभी जल्दी फास्ट, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज का मतलब रेशियो ही होता है। अगर डाटा परसेंटेज में बोल रखा है इसका मतलब गारंटेड वो रेशियो की बात कर रहा है। तो आपको दे रखा है कि ए जो है व्यक्ति वो 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है, बी की क्षमता ए की तुलना में 60% अधिक है। तो आप बताइए ए और बी की बात बोल रहा है, कह रहा है बी जो है वो ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। तो क्षमता की बात सुनिए, इसका मतलब ए अगर 100% काम कर सकता है तो बी जो है वो 160% काम करेगा, ये मतलब है इसका। अगर 20 से काटूं मैं तो यही एफिशिएंसी का रेशियो बन जाएगा बेटा, 5:20, 5:8। बोलो क्लियर हुआ? तो बताइए दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी बनेगी? तो दोनों की मिला के जो एफिशिएंसी बनेगी वो 8×5 13 यूनिट बनेगी। आप बताओ व्यक्ति ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 12 यूनिट। तो व्यक्ति ए एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है, तो आप बताइए जल्दी फास्ट, एक दिन में अगर वो 5 यूनिट काम कर रहा है तो 12 दिन में कितना काम करेगा? 12×5 60, तो टोटल वर्क आ गया, तो टोटल वर्क आ गया बेटा 60 यूनिट। बोलो क्लियर हुआ? अब आपको टाइम किसका निकालना है, तो टाइम निकालना है बी का। लो भैया क्वेश्चन खत्म। तो टाइम ऑफ बी क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 60 यूनिट, एफिशिएंसी है 8। अब काट दीजिए, अगर मैं 4 से काट दूँ तो 15/2, और 15 का आधा होता है 7.5, तो आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर राइट होगा 7.5 दिन। विच ऑप्शन इज राइट? डी ऑप्शन। विच ऑप्शन इज राइट बेटा? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन को और करिए जल्दी फास्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे टाइप पे चलेंगे। जल्दी फास्ट फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है ना, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है, 88 डेज मैंने करवा दिया था ये। चलो मैं दोबारा करवा देता हूँ एक बार, कोई बात नहीं। तो देखिए भाई, ए और बी की क्षमता का अनुपात दे रखा है 5:6, तो बताओ दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी बनेगी बेटा? आप बताओ 11, दोनों की मिला के एफिशिएंसी 11 है, और दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 120 दिन में। तो दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 11 यूनिट, तो 120 दिन में कितना काम करेंगे, बस ये देखना है। तो आप बताइए जल्दी फास्ट, दोनों मिलकर काम कितना करेंगे बेटा 120 दिन में? 11×120, ये वर्क आ गया। बस आप बताइए आपको टाइम किसका निकालना है? बी का। तो टाइम ऑफ बी क्या होगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है बेटा? 11×120, लेकिन आपको इस काम का काम कितना करना है? सिर्फ 40%। तो जितना काम करवाना है उतना परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दो 40%, और डिवाइड बाय एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है बी की? 6। तो बस परसेंटेज से 2 जीरो हटाओ, 6×2 12, 4×8×11 88 दिन। बोलो क्लियर हुआ? पहले भी करवा दिया था ये क्वेश्चन मैंने, क्लियर हुई बात? चलिए भाई अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए भाई, हेलो, चलो भाई इस क्वेश्चन को और कर दीजिए, बात खत्म। चलो भाई ये कल वाला क्वेश्चन है, कल वाला क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस कर लीजिए जल्दी फास्ट फास्ट, सभी के सभी मुझे बता दीजिए। जीडी का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप करूँगा। कल का रिवीजन कर लीजिए जल्दी फास्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी। कल मैंने हिस्से वाला बाय पार्ट्स वाले टाइप पढ़ाया था, ये उसी का क्वेश्चन है। जल्दी फास्ट फास्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट। ये मैंने हिस्से वाला क्वेश्चन करवाया था कल, ये घुमा के दे रखा है बस जीडी ने, और कुछ नहीं कर रखा है क्वेश्चन में। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरभि किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकती है। सुरभि जो है वो काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है बेटा? 24 दिन। बोलो क्लियर हुआ? परंतु उसने काम का 3/8 भाग पूरा किया। अगर सुरभि ने 3/8 भाग पूरा किया मतलब 8 में से 3 मिनट पूरा कर दिया, तो कितना काम शेष रह गया? तो शेष काम रह गया एक तरह से 5/8, और बचे हुए काम को, बचा हुआ काम कितना होगा बेटा ये बता दिए। तो बचा हुआ काम होगा 5/8, कितना होगा? 5/8। इसको अस्मिता ने कितने दिन में किया है? 10 दिन में। अगर 5/8 भाग 10 दिन में कर रही है, तो 5 से 10 को काटो 2 बार और 8 का गुणा कर दो 2 में, 8×2 16। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उस काम को अमिता जो है वो कितने दिन में कर सकती है? 16 दिन में। इज इट क्लियर? तो बताइए जिस काम को सुमित
सुर भी कर सकते हैं 24 दिन में, अमिता कर सकते हैं 16 दिन में, वो काम दोनों के लिए सेम है। अगर काम दोनों के लिए सेम है तो कॉमन मल्टीपल से वर्क मानो, तो दोनों नंबर कैसे कट रहे हैं बेटा 8 से, 8 के बाद यहाँ क्या रह गया बेटा 3, और यहाँ क्या रह गया 8 दूनी 16 2, तो 3 दूनी 6, 6 8 48 हो गया, तो काम को मान लीजिए 48 यूनिट। तो अब बताइए सुरभी अगर 24 दिन में 48 यूनिट काम करती है तो एक दिन में कितना काम करेगी, तो 24 दिन में 48 तो एक दिन में 2 यूनिट, 16 दिन में 48 तो एक दिन में कितना यूनिट 3 यूनिट। तो अब बात समझ में आ गई, तो बेटा दोनों मिला के कितना काम करेंगी, दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगी, तो दोनों मिला के एक दिन में काम करेंगी 5 यूनिट। बोलो क्लियर हुआ? तो अभी कह रहा है दोनों एक साथ काम को करने पर वे उस काम का 125% भाग कितने समय पूरा करेंगी, तो टाइम निकालना है दोनों का। तो टाइम क्या होगा बेटा बताइए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है बेटा बताइए 48, 48 का भी कितने परसेंट काम करवाना है 125%, तो 125% कितना हो गया 125/100, ऐसे कर लो, ये वर्क आ गया पूरा का पूरा, और डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है बेटा बताओ दोनों की मिला के 5, बस क्वेश्चन खत्म। तो 24 5 से काट दीजिए, 5 से 25 बार कटेगा, और 25 चौका 100, बेटा क्लियर है, और 4 से काटा 12, तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो 12 दिन आएगा, क्वेश्चन इज ओवर। बोलो क्लियर हुआ? तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज बी, सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज बी, क्लियर है भाई? चलिए अगर आपको यहां तक बात क्लियर हो गई हो तो अब सुनना बेटा गौर से यहां पर नेक्स्ट बात। हेलो, अब मैं नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं, दैट इज इक्वेशन मेथड। सभी के सभी हेडिंग डाल लीजिए इक्वेशन मेथड। ये इक्वेशन मेथड कब लगाना है आपको, जब बात ग्रुप की जाए। किसकी की जाए बेटा? ग्रुप की जाए। किसकी की जाए? ग्रुप की जाए। तो गौर से सुन लीजिए, इक्वेशन मेथड बात करेंगे, इक्वेशन की तरह से बात करेंगे, लेकिन एक बात गौर से सुन लीजिए, अभी पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक ग्रुप की बात कर ले रहा हूँ, तो ग्रुप के द्वारा काम अगर किया जा रहा है, समूह के द्वारा अगर काम किया जा रहा है, तो काम क्या होगा पहले ये समझिए। मैंने कहा इस चैप्टर में बात किसकी हो रही है, तो इस चैप्टर में बात ये हो रही है कि एक कोई कार्य है, देयर इज सम वर्क, एक कोई कार्य है, देयर इज सम वर्क W, उसे पूरा होने के लिए कुछ ना कुछ समय लगेगा, दैट इज टाइम, डिनोटेड बाई T, क्लियर है, और उस काम को करने के लिए कुछ ना कुछ लोगों की आवश्यकता होगी, तो नंबर ऑफ पर्संस जो उस काम को करने के लिए चाहिए, उनकी वैल्यू मैंने मान ली कैपिटल N, कितनी मान ली बेटा मैंने कैपिटल N, और अब आप बताइए इस काम को टी टाइम में पूरा करना है, तो इस काम को टी टाइम में तभी पूरा होगा जब हर व्यक्ति हर दिन कुछ ना कुछ काम करेगा, तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रत्येक दिन में किया जाने वाला कार्य क्या होगा, तो ये होगी आपकी क्षमता, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं बेटा एफिशिएंसी से। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? तो बेटा गौर से सुन लीजिए, देर आर टोटल फोर पैरामीटर्स। अगर कोई कार्य है तो उसे पूरा होने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, लेकिन वो कार्य उतने समय में अपने आप पूरा नहीं होगा, उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ लोग चाहिएंगे। जब लोग आएंगे तो उनका अपना एक नंबर ऑफ पर्सन होगा, वो मैंने मान लिया एन। अब हर व्यक्ति हर दिन कुछ ना कुछ काम करेगा, हर व्यक्ति हर दिन जो काम करेगा वही कहलाएगी उसकी क्षमता, दैट इज एफिशिएंसी। बोलो क्लियर हुआ? तो जब समूह की बात होती है तो 4 पैरामीटर होते हैं। अब ये चारों पैरामीटर कैसे रिलेटेड होते हैं बेटा गौर से समझना, ये चारों पैरामीटर कैसे रिलेटेड होते हैं। तो एक व्यक्ति एक दिन में जो काम कर रहा है वो क्षमता है, तो एक व्यक्ति एक दिन में जो काम करेगा वो क्षमता हो गई, एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में जो काम किया जा रहा है वो क्षमता है, तो एन व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेंगे, तो इन टू एन कर दो, तो ये एन व्यक्तियों के एक दिन का काम है, एक दिन का, तो टी टाइम में कितना काम होगा, तो इन टू टी कर दो, तो ये टोटल वर्क आ गया। तो टोटल वर्क जो होता है ग्रुप के द्वारा जो टोटल वर्क किया जाता है, वो टोटल वर्क हमेशा 3 बातों पर डिपेंड करता है, कितने लोग हैं, हर व्यक्ति हर दिन कितना काम कर रहा है, और कितना समय लिया जा रहा है। तो देयर आर टोटल 3 पैरामीटर्स जिनके अकॉर्डिंग वर्क सेट होता है, दैट इज नंबर ऑफ पर्संस, एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्संस, एंड दैट इज टाइम। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो 3 पैरामीटर होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आपके समूह का टोटल वर्क डिसाइड होता है, एफिशिएंसी, नंबर ऑफ पर्संस एंड टाइम, एफिशिएंसी, नंबर ऑफ पर्संस एंड टाइम। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? चलिए भाई अगर ये आपको बात समझ में आ गई हो, तो अब यहाँ पर केस बनते हैं 2। कितने केसेस बनते हैं बेटा? 2। तो अब ग्रुप की जब बात होती है तो यहाँ केस बनते हैं 2। क्या? या तो सेम टाइप के लोग हों,
या तो सेम टाइप के लोग काम करें, सेम टाइप, या फिर डिफरेंट टाइप के लोग काम करें, या तो सेम टाइप के लोग काम करें या डिफरेंट टाइप के लोग काम करें। अरे क्लियर है, कहने का मतलब या तो सभी के सभी आदमी ही हों। सेम टाइप का मतलब क्या है? सेम टाइप का मतलब है या तो सिर्फ सभी के सभी आदमी ही हों, या सभी के सभी औरत ही हों। अरे क्लियर है, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही टाइप होना चाहिए, या तो आदमी होना चाहिए तो औरत नहीं होनी चाहिए, और अगर औरत है तो फिर आदमी नहीं हुआ। यानी पूरे क्वेश्चन में एक ही टाइप की बात हो तो आपके सेम टाइप हो रहा है, और अगर एक क्वेश्चन में आदमी की बात भी हो रही है, औरत की बात भी हो रही है, बच्चे की बात भी हो रही है, अगर एक साथ इन सब की बात हो रही है एक ही प्रश्न में, तो वो हम मानेंगे डिफरेंट टाइप के लोग हैं वहाँ। अब गौर से समझिए, सेम टाइप और डिफरेंट टाइप में अंतर क्या है। अगर सेम टाइप है तो हम ये मान के चलेंगे कि उन सभी की एफिशिएंसी भी क्या रही होगी बेटा, सेम। और अगर एफिशिएंसी सबकी सेम है तो जो पैरामीटर सेम है उस पर वर्क तो कभी इंडिपेंडेंट रहेगा, वर्क डिफरेंशिएट नहीं करेगा। बोलो क्लियर है या नहीं है? इसका मतलब उस केस में हम एफिशिएंसी को नेगलेक्ट भी कर दें तो कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी कट जाएगी। देखो जैसे समझना, मैंने कहा एन वन आदमी, तो एक आदमी की एफिशिएंसी मान लो एम है, एम यूनिट, एक आदमी एक दिन में काम करता है एम यूनिट, तो एन वन आदमी कितना काम करेंगे, एन वन इंटू एम, टी वन टाइम लेते हैं तो इंटू टी टी वन, तो ये टोटल वर्क हो गया पहले केस में, और वर्क सभी के लिए समान होता है तो बराबर। एन टू आदमी, तो एक आदमी की एफिशिएंसी एम, तो एन टू आदमी की एन टू एम, और टी टू टाइम लेते हैं इंटू टी टू। बोलो क्लियर हुआ बेटा? बताइए, एम से एम कट गया ना, तो एफिशिएंसी अगर कट गई तो सिंपल क्या बचा बेटा, एन वन टी वन बराबर एन टू टी टू, और यही क्या है बेटा बताइए, वर्क। यही क्या है बेटा आपका, वर्क। इसका मतलब जब सेम टाइप के लोग होते हैं, जब सेम टाइप के लोगों की बात हो रही होती है, तो वर्क दो ही बातों पर डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं और कितना टाइम ले रहे हैं, कितने लोग हैं और कितना टाइम ले रहे हैं। यानी कि आपका जो वर्क होता है वो दो ही बातों पर डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ पर्सन्स और एक टाइम। तो ध्यान रखना कि जब हम सेम टाइप के लोग की बात करें, जब हम सेम टाइप के लोगों की अगर बात करें, तो उस केस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वर्क के को अगर वर्क अगर हम देखें तो वर्क में सिर्फ और सिर्फ हम एन टी देखेंगे, बस एन और टी ही देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? यानी कि कितने लोग हैं, कितना समय लिया जा रहा है, बात खत्म। तो इतना दिमाग में बसा लो गौर से, अगर हमारे सेम टाइप के लोगों की बात हो रही है, एक ही टाइप के लोग हैं, तो उस क्वेश्चन के अंदर हम सिर्फ नंबर देखेंगे और टाइम देखेंगे, वर्क लिख देंगे। बोलो क्लियर हुआ या? और लेकिन एक बात और बताओ, नेक्स्ट बात, W को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये क्या बनेगा, N इंटू टी बाई W बराबर 1 बचेगा। बेटा बताइए, वर्क अगर नीचे ले जाऊं तो यहाँ 1 बचेगा, और 1 कैसा नंबर है, कांस्टेंट। इसका मतलब मैं एक बात और बोल सकता हूँ कि N इंटू टी बाई W का जो रेशियो होता है बेटा, ये क्या रहता है, कांस्टेंट। क्या रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान रखना, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इन दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टों को अपने दिमाग में बसा लो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा कब यूज करना है, तो ये बात गौर से ध्यान रख लेना कि एन इंटू टी, बस ये वाली लाइन लिख के क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब क्वेश्चन में वर्क नहीं दे रखा हो। वर्क इज नॉट गिवन, वर्क इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर वर्क ना दे रखा हो तो आप हमेशा एन इंटू टी लगा दीजिए, क्वेश्चन खत्म। लेकिन एन इंटू टी बाई डब्ल्यू कब लिखोगे, ये तब लिखोगे जब क्वेश्चन में एन और टी के साथ साथ वर्क भी दे रखा हो। तो अगर क्वेश्चन में वर्क इज गिवन, अगर क्वेश्चन में वर्क इज गिवन टू यू, अगर क्वेश्चन में काम की वैल्यू दे रखी है, तो उस केस में हम एन इंटू टी बाई डब्ल्यू लगाएंगे। ध्यान रखना इस बात को। बात समझ में आ गई नहीं आ गई सभी को? इतनी बात समझ आ गई नहीं आ गई? जय हिंद बेटा, जय हिंद बेटा। गौर से सुन लीजिए, मैंने कहा ग्रुप के अंदर जो काम होता है वो काम तीन पैरामीटर पे डिपेंड करता है कि कितने लोगों की संख्या कितनी है, हर व्यक्ति की क्षमता कितनी है, और समय कितना लिया जा रहा है। बोलो क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं केसेस बनाऊं, ग्रुप के भी केसेस बनाऊं, तो केसेस दो बनते हैं, या तो सेम टाइप या डिफरेंट टाइप। अगर मैं सेम टाइप की बात करूं तो सेम टाइप के अंदर ध्यान रखना, वर्क के अंदर सेम टाइप का मतलब है एफिशिएंसी सबकी सेम है। जैसा मान लो बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं, अगर बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं तो आप ये कहेंगे ना यार, जितना काम एक आदमी कर रहा है दूसरे को भी उतना काम करना चाहिए, तीसरे आदमी को भी उतना काम करना चाहिए। तो
तो फिर वहाँ एफिशिएंसी सबकी सेम मानी जा सकती है, और जब एफिशिएंसी सबकी सेम हो गई तो फिर वहाँ पर जो वर्क वर्क जो है उन तीन पैरामीटर में से अगर एक पैरामीटर सेम है तो वो कोई डिफरेंस क्रिएट तो करेगा नहीं, और डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा तो उसको आप नेगलेक्ट कर दो। तो क्या बच गया बेटा, एन और टी, यानी कि एन और टी के अकॉर्डिंग आप वर्क को सेट कर लीजिए, सिंपल सी बात है। तो वर्क बराबर होगा एन इंटू टी के, बोलो क्लियर हुआ। और अगर मान लीजिए फिर भी आपको एफिशिएंसी दे दी जाए तो एफिशिएंसी को इंक्लूड कर लेना, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप बताइए वर्क बराबर एन इंटू टी है, वर्क को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये बन जाएगा एन इंटू टी बाई डब्ल्यू बराबर वन, और वन क्या है बेटा, कांस्टेंट। इसका मतलब एन इंटू टी बाई डब्ल्यू का जो रेशियो होता है ये हमेशा सेम रहता है। कब? जब आपको क्वेश्चन में वर्क दे रखा हो, जब क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, वर्क। और अगर वर्क ना दे रखा हो तो सिंपल एन इंटू टी लिखना, बराबर कर देना, क्वेश्चन खत्म। बोलो पहला केस समझ आया सबको, पहला केस समझ आ गया सबको? तो ध्यान रखना बस आपको दो ही बातें देखनी है, सेम टाइप या डिफरेंट टाइप। सेम टाइप पे भी बस आपको दो ही बातें देखनी है, वर्क दे रखा है या नहीं दे रखा। अगर वर्क दे रखा है तो एन इंटू टी लगा देना, वर्क नहीं दे रखा सॉरी वर्क दे रखा है तो एन इंटू टी बाई डब्ल्यू लगाना, और वर्क नहीं दे रखा हो तो एन इंटू टी लगाना। बोलो समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप के अंदर कैसे करते हैं, सेम बात करेंगे, सेम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के अंदर भी सेम तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो वर्क है बेटा ये डिपेंड करेगा तीनों पैरामीटर पे, एन पे भी, एफिशिएंसी पे और टाइम पे। तो यहाँ पर डिफरेंट के केस में एफिशिएंसी भी आएगी, नंबर भी आएगा और टाइम भी आएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो सेम टाइप के अंदर सिर्फ एन इंटू टी, और डिफरेंट टाइप के अंदर एन, एफिशिएंसी और टी तीनों। और ध्यान रखना यहाँ पर सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये मान ये लिख लेना, एफिशिएंसी अगर डिफरेंट टाइप के लोग काम कर रहे हैं तो आप ये खुद बताइए, एक आदमी जितना काम कर सकता है उतना एक औरत नहीं कर सकती, जितना एक आदमी काम कर सकता है उतना एक बड़ा बुड्ढा नहीं कर पाएगा, जितना एक आदमी काम कर सकता है उतना एक बच्चा नहीं कर पाएगा। तो कहने का ना, अगर डिफरेंट टाइप के लोग हैं तो एफिशिएंसी अलग अलग हो जाएगी, नंबर तो अलग अलग है ही, टाइम सबका अलग अलग है ही, तो लेकिन एफिशिएंसी भी अलग अलग हो गई। तो फिर यहाँ पर वर्क तीनों बातों पर डिपेंड करेगा, नंबर पर भी, एफिशिएंसी पर भी और टाइम पर भी। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? और नेक्स्ट बात ये मान लेना कि यहाँ पर आप एफिशिएंसी, जब डिफरेंट टाइप की बात आ जाए, जब डिफरेंट टाइप की बात आ जाए तो एफिशिएंसी को हम मानेंगे, सपोज करेंगे। कहने का मतलब एक आदमी की एफिशिएंसी को मान लेना एम यूनिट, एक औरत की एफिशिएंसी को मान लेना बेटा डब्ल्यू यूनिट, एक बच्चे की एफिशिएंसी को मान लेना आप सी यूनिट। सर समझ में आई बात? तो ये मान लेना, ये कॉन्सेप्ट लगा देना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे खत्म करते हैं यही मुझे आपको समझाना है, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्वेश्चंस, क्लियर है? चलिए भाई, चलिए भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी, फास्ट फास्ट। चलिए भाई पहला क्वेश्चन बताइए जल्दी फास्ट। आपको बस दो ही बातें चेक करनी है, सेम टाइप या डिफरेंट टाइप, पहले तो ये चेक कर लेना सेम या डिफरेंट, और दूसरी बात ये चेक कर लेना वर्क दे रखा है या नहीं दे रखा, बस तब उसके बाद कॉन्सेप्ट लगाना। चलिए स्टार्ट करिए। देखिए क्वेश्चन में बात कह रहा है 40 व्यक्ति, एक बार क्वेश्चन को जल्दी से देख लीजिए, 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं, पुल है, पुल की बात हमें पता ही नहीं कि कितना पुल, तो क्वेश्चन में वर्क तो दे नहीं रखा, अरे क्लियर है? तो 8 और व्यक्ति आ जाएं तो व्यक्तियों की बात दोबारा हुई है, तो पूरे क्वेश्चन में सेम टाइप की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन सेम टाइप का है, डिफरेंट टाइप का नहीं है। तो अगर क्वेश्चन सेम टाइप का है तो भैया एफिशिएंसी सेम है, और एफिशिएंसी सेम है तो सिर्फ नंबर और टाइम से बात करेंगे हम किससे बात करेंगे, नंबर और टाइम से, और क्वेश्चन में वर्क दे नहीं रखा तो सिंपल एन इंटू टी लगा दीजिए, क्वेश्चन खत्म। तो सॉल्यूशन देखना कैसे करेंगे, वर्क जो होगा पहले केस में आप बताइए, पहले केस में वर्क बताइए कितने लोग हैं बेटा, सिंपल से बता दी एन इंटू टी पे बात होगी ना, सेम टाइप अगर है और वर्क नहीं दे रखा तो वर्क बराबर एन इंटू टी लगाएंगे ना, बस एफिशिएंसी को नहीं देखेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन खत्म है। तो 40 व्यक्ति, तो पहले केस में नंबर ऑफ पर्सन है 40, कितने दिन में काम कर सकते हैं 12 दिन, तो एन इंटू टी हो गया बेटा, ये पूरा ये वर्क आ गया, और यही वर्क बराबर करना है। ये कह रहा 8 और व्यक्ति आ जाएं, तो पहले से 40 व्यक्ति थे, 8 और व्यक्ति आ गए, तो अब व्यक्ति कितने हो गए बेटा, नंबर कितना हो गया 48, और कितने दिनों में पुल मरम्मत कर देंगे, तो टाइम पूछा गया, टाइम को टी मान लो बेटा, ये आ गया। बोलो ये एक लाइन लिखना समझ आ गई क्या,
वर्क नहीं दे रखा था, इसलिए सिंपली n इंटू टी बराबर n इंटू टी कर दिया, क्वेश्चन खत्म। 12 चौक 48, 4 से ये 10 बार, तो आपका जो टाइम आया सीधा सीधा आ गया 10 दिन। बोलो कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए भाई अगर समझ आ गया हो चलिए भाई इस काम को बताइए जल्दी फास्ट, इस क्वेश्चन को बताइए सभी। देखो ढंग से क्या कह रहा है, 12 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो उसी काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए 16 महिलाएं, तो सेम टाइप है डिफरेंट टाइप है, पहले तो ये देख लो। तो ये क्वेश्चन है सेम टाइप का पहली बात तो, और सेम टाइप का है तो एफिशिएंसी मानने की जरूरत नहीं, वर्क बराबर एन टू टी, और क्वेश्चन में वर्क दे रखा है या नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा, बस ध्यान रखना। अब तो क्वेश्चन खत्म कर दोगे एक लाइन में, करो जल्दी फास्ट। देखो सॉल्यूशन देखना सिंपल है, एन और टी लिखना है बस। पहले केस में, पहले केस में नंबर ऑफ महिलाएं कितनी हैं 12, और टाइम क्या है, टाइम दो तरह से दे रखा है, घंटे में भी दे रखा है और 20 दिन में भी। एक दिन में 8 घंटे तो 20 दिन में टोटल टाइम बनेगा 20 × 8, इसलिए टाइम को ऊपर ही लिख दो, ऊपर ही 8 लिख दो, ऊपर ही 20 लिख दो, और यही बराबर टोटल वर्क बराबर हो गया एन इंटू टी हो गया। दूसरे केस में एन इंटू टी 15 दिन में काम करना है, टी 15 दिन और 16 महिलाएं, एन ही हो गया, और कितना टाइम लेंगे प्रतिदिन, टी को टी मान लिया। बोलो क्लियर हुआ, एन इंटू टी, एन इंटू टी। क्वेश्चन में उड़ाओ जल्दी फास्ट फास्ट, कुछ कट रहा है, 8 दूनी 16, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 से 0, तो टी बराबर सीधा सीधा आ गया 8 घंटे, जो भी निकालना था वो 8 घंटे पे बाद बैठी है, क्वेश्चन खत्म। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा 8 घंटे, इज इट क्लियर। चलो भाई अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी फास्ट। वेरी गुड, ढंग से देखना क्या कह रहा है वो, काम का कितना भाग कर सकते हैं, आपको कार्य निकालना है, कार्य निकालना है, तो सेम टाइप की बात है क्योंकि आदमियों की बात है तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, और वर्क निकालना है, वर्क की बात भी दे रखी है, तो आज अगर वर्क दे रखा है तो इसमें n इंटू टी बाई डब्ल्यू को बराबर करेंगे, मतलब कॉन्स्टेंट कर देंगे, बस खत्म क्वेश्चन। आज क्योंकि क्वेश्चन में वर्क की बात हुई है, आज क्वेश्चन में वर्क की बात हुई है, तो आज n इंटू टी नहीं देखेंगे, आज n इंटू टी बाई डब्ल्यू लगाएंगे, क्वेश्चन खत्म। चलो भाई करो जल्दी फास्ट, n इंटू टी बाई डब्ल्यू लगा दो, आ गया आंसर। तो देखिए भाई पहले केस में बताइए n कितना है, आदमी कितने हैं बेटा बताइए 30, इंटू टी कितने दिन ले रहे हैं बेटा 30 दिन, और अपॉन w वर्क कितना कर रहे हैं, पूरा काम, पूरा काम होता है 100%, 100% का होता है एक यूनिट, तो नीचे रख दो एक यूनिट, बराबर n इंटू टी बाई डब्ल्यू बराबर। दूसरे केस में कॉन्स्टेंट मतलब बराबर करना है, दूसरे केस में एक आदमी है एक दिन और कितना भाग कर सकता है, तो w नीचे लिख दो, बस खत्म क्वेश्चन। तो W निकालना है बस क्वेश्चन में खत्म, तो W को ऊपर ले जाओ, 30 गुना 30 को नीचे ले आओ, तो W बराबर हो जाएगा 1/900, इज इट क्लियर। तो विच ऑप्शन इज राइट, दैट इज बी ऑप्शन, खत्म। तो आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताओ, कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, कब n इंटू टी बाई डब्ल्यू लगाना है, कब n इंटू टी लगाना है, बस मैं आपको यही क्लियर कर रहा हूँ, बस ध्यान रखना कब आपको n इंटू टी बाई डब्ल्यू लगाना है, कब आपको n इंटू टी लगाना है। अगर क्वेश्चन में वर्क नहीं दे रखा हो तो n इंटू टी लगा दो, अगर क्वेश्चन में वर्क दे रखा हो तो n इंटू टी बाई डब्ल्यू लगा दो, इज इट क्लियर। चलो देखो ढंग से क्या लगाना है इस क्वेश्चन में, सेम टाइप की बात हुई है, क्या लगाना है, 6 व्यक्ति हैं 24 दिन में 36 एकड़ फसल, तो 36 एकड़ ये वर्क दे दिया, तो इस क्वेश्चन में सेम टाइप की बात हुई है पहली बात तो, क्योंकि आदमियों की बात हुई है सेम टाइप, और क्वेश्चन में वर्क दे रखा है, और क्वेश्चन में अगर वर्क दे रखा है तो n इंटू टी नहीं लगाएंगे, n इंटू टी बाई डब्ल्यू कॉन्स्टेंट करेंगे, क्वेश्चन इससे खत्म होगा जल्दी फास्ट। कॉन्सेप्ट लिख दिया मैंने, सेम टाइप की बात हो रही है और क्वेश्चन में वर्क दे रखा है, तो चलिए भाई पहले केस में देखिए, पहले केस के अंदर नंबर ऑफ पर्सन, टाइम और नीचे वर्क, तो नंबर ऑफ पर्सन पहले केस में कितने हैं 6 इंटू टी, टाइम कितना है बेटा 24 दिन, अपॉन डब्ल्यू कितना वर्क कर रहे हैं 36 एकड़ बराबर, कॉन्स्टेंट मतलब बराबर। दूसरे केस में लोगों की संख्या कितनी है 12, टाइम कितना ले रहे हैं बेटा 18, वर्क निकालना है अपॉन डब्ल्यू, इज इट क्लियर।
करो खत्म, डायरेक्ट काटो, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 12 तीया 36, तो W को यहाँ ले जाओ, 3 गुणा कर दो, तो W बराबर 18 गुणा 3, 18 3 54, तो 54 एकड़ फसल जोतेंगे, बात खत्म, आंसर इज ओवर। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ, विच ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन। तो गौर से समझ लीजिए, कब आपको n इंटू टी लगाना है, कब आपको n इंटू टी वाई डब्ल्यू लगाना है, मैं बस आपको यही क्लियर करना चाह रहा हूँ। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी, फास्ट फास्ट। बेस्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 16 मजदूर हैं, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं, और वही इमारत गिरानी है तो वर्क नहीं दे रखा, बस वर्क की वैल्यू नहीं दे रखी, बस आपको वही इमारत गिरानी है तो मतलब सेम वर्क करना है, तो वर्क तो सेम रहेगा, मतलब 1 यूनिट, तो वर्क पर इंडिपेंडेंट है, वर्क पर इंडिपेंडेंट है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खत्म करो क्वेश्चन जल्दी फास्ट। तो सेम टाइप की बात हो रही है, और वर्क दे तो रखा है लेकिन वो कंप्लीट है, तो आप यहाँ पर वर्क नहीं दे के अकॉर्डिंग मान लीजिए, तो वर्क बराबर क्या हो गया बेटा, एन इंटू टी, ये लगा दीजिए, क्वेश्चन खत्म जल्दी फास्ट, सिंगल लाइन में जल्दी फास्ट फास्ट। तो पहले केस में बताइए नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 16, और टाइम ऊपर ही लिखेंगे सारे सारे को, पहले केस में टाइम बनेगा एक दिन में 8 घंटे और टोटल दिन है 32, तो ये टोटल टाइम, तो ये टोटल वर्क हो गया, और वर्क बराबर वर्क रख दो। दूसरे केस में लोगों की संख्या है 24, और कितने घंटे बेटा, 12 घंटे, और कितना टाइम लेंगे, इंटू टी, खत्म, एन इंटू टी बराबर एन इंटू टी कर दिया, बस काटा पेटी खेल खेलो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बताइए 8 8 3 24, अरे क्लियर हुआ, आप बताइए 3 से कुछ कट रहा है क्या, नहीं, 4 चौक 16 और 4 3 12, बोलो क्लियर हुआ, तो आप बताइए ये कितना आ गया, तो टी 4 गुणा कर दो 4 2 8 4 3 12, 128 बटे 9, नीचे चला जाएगा तो आंसर आएगा 128 बटे 9 दिन, विच ऑप्शन इज राइट, सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज डी, आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज डी, समझ गए क्या। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना यार, अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में देखो वर्क दे रखा है, गौर से देखो वर्क दे रखा है, वर्क की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 720 केजी कर वर्क करवाना है और यहाँ पर आपको 270 ही करवाना है, तो सेम टाइप की बात हुई है, यहाँ भी पुरुष हैं यहाँ भी पुरुष हैं, सेम टाइप की बात हो रही है एक ही क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन सेम टाइप पर बैठा है और वर्क भी दे रखा है, तो आज इस क्वेश्चन में n इंटू टी बाई डब्ल्यू लगा दो, उसको कॉन्स्टेंट कर दो, खत्म क्वेश्चन, बताइए आंसर। तो देखो भाई n नंबर ऑफ पर्सन कितने बेटा बताइए, 120, टाइम कितना है बेटा बताइए 30 अपॉन w, वर्क कितना है बेटा आपका 720 बराबर, दूसरे केस में नंबर ऑफ पर्सन कितने 90, टाइम निकालना है t अपॉन ये कितना है बेटा 270, बोलो क्लियर हुआ, 0 से 0 9 3 27, बोलो क्लियर हुआ, 0 से 0 12 से 10 बार 12 6 72 और 3 2 6, बोलो क्लियर हुआ, और 2 5 10, तो 3 गुणा 5 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 दिन, बोलो क्लियर हुआ, तो आपका जो आंसर आएगा वो 15 दिन आएगा, खत्म बात, इज इट क्लियर। चलो चलो भाई अब आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक, चलो भाई इस क्वेश्चन को और करिए जल्दी फास्ट फास्ट, सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक तिहाई काम है, एक तिहाई, देखो ढंग से वर्क दे रखा है, मजदूरी मजदूर है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, और वर्क की बात हुई है, अगर वर्क की बात हुई है तो इसमें क्वेश्चन में एन इंटू टी वाई डब्ल्यू लगाओ, खत्म खत्म करो, देखो समझना, पहले केस में एक तिहाई है बेटा, एक तिहाई, गौर से देखना, एक तिहाई का मतलब पहले केस में एक यूनिट है टोटल 3 में से, तो शेष काम कितना करवाना है, शेष काम का मतलब हो गया 2 यूनिट आगे करवाना है। चलो भैया पहले केस में स्टार्ट करते हैं, एन इंटू टी वाई डब्ल्यू, पहले केस में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 18, एक तिहाई काम करवा रहे हैं, एक तिहाई का मतलब सिर्फ एक यूनिट, गौर से समझ लेना, ये सिर्फ एक यूनिट आएगा यहाँ पर, एक यूनिट टोटल 3 में से,
कितने दिन ले रहे हैं बेटा? 27 दिन। तो n इंटू टी बाई डब्ल्यू, एन इंटू टी बाई डब्ल्यू, ये बराबर कर दीजिए दूसरे केस में, कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं? कितने मजदूर पूर्ण कार्य को, तो कंप्लीट वर्क कितना है बेटा? 3 यूनिट। कितने मजदूर मतलब n को n, कितने दिन में पूरा करना है? 9 दिन में। देखो ये क्वेश्चन समझ आई क्या? कार्य पूरा 3 यूनिट है भाई, पूरा कार्य को मैंने माना 3 यूनिट, तो खत्म करो क्वेश्चन यही के। तो 3 से 3 बार, 3 से 9 बार, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा n बराबर 9, 8, 72, 9 × 7 = 16, तो आंसर इज 162। सर समझ में आई बात? क्वेश्चन 162 इज द राइट आंसर, 162 इज द राइट आंसर। जल्दी फास्ट आंसर बताइए। चलिए भाई देखो एक बात और सुन लो, एक इंपॉर्टेंट बात और बता दे रहा हूँ, सेम टाइप है लेकिन यहाँ पर मनी दे रखी है 1800 रुपये, कितनी मनी? तो ये बात ध्यान रखना, वर्क जो होता है वही इक्विवेलेंट होता है मनी से, तो इस क्वेश्चन में मनी दे रखी है, तो यहाँ पे n इंटू टी बाई डब्ल्यू लगा दो, w का मतलब मनी, w का मतलब इस क्वेश्चन में मनी से है, क्योंकि हमेशा पैसा काम का मिलता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है और वर्क दे रखा है, वर्क का मतलब मनी, तो सिंपल n इंटू टी बाई डब्ल्यू लगाओ, क्वेश्चन खत्म। जल्दी फास्ट फास्ट, मनी के क्वेश्चन भी खत्म, जल्दी फास्ट फास्ट आंसर बताओ, क्योंकि वर्क को इक्विवेलेंट कर लेना मनी से, क्योंकि मनी जो मिलती है वो पैसे की मिलती है, तो जितना काम हुआ होगा पैसा उतना ही बना होगा, सिंपल। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, ज़्यादा मोटी मोटी पढ़ाई मत करो, तो n इंटू टी बाई डब्ल्यू लगाओ। पहले केस में कितने नंबर ऑफ पर्सन है? 15 है। कितना टाइम ले रहे हैं बेटा? 10 दिन। और कितना पैसा कमा रहे हैं? 1800, तो 1800 नीचे रख दो बराबर। दूसरे केस में कितने समय क्या बेटा? 5। कितने दिन ले रहे हैं बेटा? 8 दिन। और कितनी मनी कमाएंगे? m को नीचे लिख दो। बोलो क्लियर हुआ? खत्म करो, 0 से 0, 5 × 3 = 15, अरे बोलो 3 × 6 = 18, 60, तो m को इधर को ले जाओ और ये इधर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 × 8, तो 8 × 6 = 48, आंसर इज 480 रुपये। विच ऑप्शन इज राइट? आंसर इज ए ऑप्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कहने का मतलब आप मनी वाले क्वेश्चन भी आपको समझ आ गए होंगे कैसे करने हैं, वर्क की जगह पर बस मनी रखनी है, n इंटू टी बाई डब्ल्यू लगाना है, क्वेश्चन खत्म। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी, सेम टाइप, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी। पिचाकू सर गुड नाइट, गुड नाइट बेटा, पिचाकू गुड नाइट, सो जा बेटा, सो जा सो जा। बताइए आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। ये कह रहा है कुछ व्यक्ति, नंबर ऑफ पर्संस नहीं पता, नंबर ऑफ पर्संस को n मान लेना, कुछ व्यक्ति 40 दिन में काम कर सकते हैं, यदि 8 और व्यक्ति मिल जाएं तो वही काम 10 दिन में हो जाएगा, तो कार्य कुल कितने व्यक्ति, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो बेटा सेम टाइप की बात हो रही है, व्यक्तियों की बात हो रही है, तो सेम टाइप की बात हो रही है, और वर्क इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो इसमें सिंपली आप वर्क बराबर n इंटू टी लगा दो, खत्म क्वेश्चन। तो n इंटू टी से क्वेश्चन खत्म करेंगे, बात खत्म। चलिए भाई स्टार्ट करिए, पहले केस में कितने लोग हैं? लोग हमें नहीं पता, तो n को n मान लिया, लेकिन टाइम कितना ले रहे हैं बेटा? 40, और यही वर्क बराबर करेंगे। अगले केस में वो कह रहा है 8 और मिल जाएं, अगर 8 और मिल गए तो टोटल बंदे कितने हो गए? n प्लस 8, और आप बताइए कितना टाइम ले रहे हैं बेटा? 10 दिन, 10 दिन कम समय, 10 दिन कम समय, ढंग से पढ़ना, 10 दिन कम समय, तो 40 से 10 दिन कम कर दो, तो 40 से अगर 10 दिन कम करोगे तो ये आएगा आपका 30। बोलो क्लियर हुआ? खत्म करो क्वेश्चन जल्दी फास्ट, कैलकुलेशन करो, 0 से 0 काटी, ये हो गया आपका 4n बराबर 3n प्लस 24, तो बेटा 3n माइनस होगा तो n बराबर डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 24। इधर इज ऑप्शन 24, आंसर इज बी ऑप्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? खत्म। अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप के लोगों पर, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये बात गौर से सुन लो कैसे करेंगे। अब यहां पर अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, अलग टाइप के लोग हैं, 8 बच्चे हैं और 12 आदमी हैं। जब भी ये वाला ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले ये मान लो, पहले एफिशिएंसी को मान लो, एफिशिएंसी मान लो कि एक आदमी की एफिशिएंसी m यूनिट पर डे की है,
यानी एक व्यक्ति एक दिन में इतना काम कर सकता है, और एक बच्चा वन चाइल्ड इज इक्वल टू सी यूनिट पर डे, ये मान लो। अरे क्लियर है, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अब। और आपको जो वर्क लिखना है वो कैसे लिखना है, एक लाइन में लिखना है, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठ बच्चे, तो एक बच्चा कितना काम करेगा, सी यूनिट। अगर एक बच्चा सी यूनिट काम करेगा तो आठ बच्चे कितना काम करेंगे, आठ सी, और का मतलब प्लस। आज 12 आदमी, एक आदमी कितना काम करेगा, एम यूनिट, तो 12 आदमी कितना काम करेंगे, 12 एम। ये टोटल एफिशिएंसी हो गई, टोटल एफिशिएंसी हो गई, एक दिन का काम आ गया ये। और इस एक दिन के काम में गुणा कर दो टाइम से, तो कितने दिन काम हो रहा है बेटा, ऐसे ऐसे 9 दिन, तो ये टोटल वर्क हो गया। बोलो क्लियर हुआ। तो आठ बच्चे और 12 आदमी ये एक दिन में काम करेंगे, एक दिन के काम को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 दिन का टोटल वर्क आ गया, और टोटल वर्क को बराबर कर दो। अरे क्लियर, टोटल वर्क बराबर। अब अगली लाइन में क्या बोला गया, उस बात को ढंग से समझना। पहली लाइन में ये बोला जा रहा है, दूसरी लाइन में क्या बोला जा रहा है, गौर से सुनना। दूसरी लाइन में बोला जा रहा है, प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में 2 गुना समय लगता है, प्रत्येक बच्चे को। बेटा आप बताइए, सी और एम, इनके टाइम में कंपेरिजन किया गया, टाइम में कंपेरिजन किया गया, क्या क्या कंपेरिजन किया गया, कि प्रत्येक बच्चे को जो टाइम लगता है, प्रत्येक बच्चे को जो टाइम लगता है वो आदमी की तुलना में 2 गुना लगता है, आदमी की तुलना में 2 गुना लगता है। इसके अलावा आदमी को अगर 1 यूनिट टाइम लगता है तो बच्चे को कितना यूनिट लगता है, 2 यूनिट। और टाइम का रेशियो अगर 2:1 है तो एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ गया, 1:2। लो भैया आपको यही एफिशिएंसी चाहिए थी और यही एफिशिएंसी पता लग गई। बोलो क्लियर हुआ। इसके अलावा सी का मान है 1 और एम का मान है 2। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस उस बात को कंप्लीट करिए। आगे कह रहा है 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, तो इस वर्क को ही दोबारा करवा रहा है 12 आदमियों से। एक आदमी कितना काम करेगा, एम यूनिट, तो 12 आदमी काम करेंगे 12 एम, और कितने दिन में पूरा करेंगे, इन टू टी। बोलो ये बात क्लियर है क्या, बोलो पूरा क्वेश्चन समझ आ गया आपको। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन खत्म है यहीं की यहीं। आप बस इतना बता दीजिए सी का वैल्यू कितना है, तो सी का मान कितना आ गया बेटा 1, एम का मान कितना आ गया बेटा एफिशिएंसी का 2, और एम का मान आ गया 2। बस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, 8 एकम 8, 12 दूनी 24, 24 और 8, 24 और 8 हो गया 32, तो ये हो गया 32 गुणा 9 बराबर 12 दूनी 24 इन टू टी। बस 8 चौका 32, 8 तिया 24, और 3 आम 3 9। तो इस इक्वेशन को अगर यहाँ पर देखें तो टी का मान डायरेक्टली आ गया 4 तिया 12, यही तो बचा 4 गुणा 3, तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 12 दिन, खत्म आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा 12 दिन। क्लियर हुआ भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा 12 दिन, समझ गए। अरे समझ गए या नहीं समझे भाई, बताओ टाइप करके बताओ, डिफरेंट टाइप को करना सॉल्व, समझ गए ना। तो डिफरेंट टाइप के केस में कुछ नहीं करते, एफिशिएंसी को पहले मान लो, जैसे जैसे वो कह रहा है वर्क लिख दो, वर्क को वर्क के बराबर कर दो, और एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दो। इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया था, तो हमने डायरेक्टली एफिशिएंसी पुट कर दी और इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, टी अपने आप निकल के आ गया 12 दिन। बोलो क्लियर हुआ। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन करके बताएंगे सभी के सभी। अब मुझे ये वाला क्वेश्चन और करके बता दो जल्दी फास्ट, डिफरेंट टाइप का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो जल्दी फास्ट। जल्दी फास्ट फास्ट बताओ बेटा। चलो भाई यहाँ पे दो तरह के अलग अलग टाइप के लोग हैं, पुरुष और महिलाएं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी को पहले मान लो, एक आदमी की एफिशिएंसी मान लो एम यूनिट पर डे, और एक औरत की एफिशिएंसी मान लो डब्ल्यू यूनिट पर डे। अरे क्लियर हुआ। अब बस क्वेश्चन को खत्म करते हैं एक ही लाइन में, प्लीज सभी के सभी यहाँ पर देखना। क्वेश्चन कह रहा है 2 पुरुष और 7 महिलाएं, तब बताओ एक पुरुष की एफिशिएंसी एम यूनिट, तो 2 पुरुष की 2 एम, और का मतलब प्लस, 7 महिलाएं, एक महिला डब्ल्यू यूनिट, तो 7 महिला 7 डब्ल्यू, तो ये टोटल एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी माने एक दिन का काम हो गया, एक दिन में अगर इतना काम कर रहे हैं तो वो काम हो कितने दिन में रहा है बेटा, 14 दिन,
तो इनटू 14 कर दो, ये टोटल वर्क आ गया। और टोटल वर्क बराबर होता है, बराबर करो प्लीज़। देखो अब आगे कितने पुरुष हैं, 8 पुरुष और 3 महिलाएं, 3 पुरुष और 8 महिलाएं, तो एक पुरुष एम यूनिट, तो 3 पुरुष 3M प्लस 8, 8 महिलाएं तो एक W, तो 8 पुरुष 8W। बोलो क्लियर हुआ। और कितने दिन में काम पूरा करना है बेटा, 11 दिन, तो इंटू 11। बोलो समझ में आई बात यहाँ तक? बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? आगे क्या कह रहा है बेटा, गौर से सुनना। हेलो, आगे गौर से सुनना, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है गौर से समझिए। आगे बराबर करेंगे, ये कह रहा है 5 पुरुष और 4 महिलाएं, तो 5 पुरुष, तो एक पुरुष एम यूनिट, तो 5 पुरुष 5M, और का मतलब प्लस 4 महिलाएं, एक महिला W, तो 4 महिला 4W, कितने दिन में इंटू टी। बोलो ये एक लाइन लिखना समझ आ गई क्या, ये एक लाइन लिखना समझ आ गई क्या? बस ये लाइन लिखना समझ आ गई हो तो आप गौर से देखिए भैया, ये वाली पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर तीन अननोन है, एम बी है, डब्ल्यू बी है और टी बी है, तो इस पार्ट को तो छोड़ दो। पहले इन दोनों पार्टों को सॉल्व करेंगे हम एक साइड, और पहले इन दोनों पार्टों को सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे जल्दी फास्ट। तो इन दोनों पार्टों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक तरफ लिख दो डायरेक्टली, देखो दो वेरिएबल इधर को एम और डब्ल्यू, दो वेरिएबल इधर को एम और डब्ल्यू। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कुछ मत करो, एक तरफ तो लिख दो एम डायरेक्ट और एक तरफ लिख दो डायरेक्ट डब्ल्यू। बोलो क्लियर हुआ। अब करना क्या है आपको, इधर से एम काउंट करो, तो 14 दुनी 28, 14 दुनी 28 और 11 3 33, 28 और 33 का अंतर होगा कि भाई 28 इधर को आएगा तो घटेगा, तो घटेगा तो कितना आएगा बेटा 5, तो ये बन जाएगा 5M, डायरेक्ट लिख दो 5M। देखो फिर दोबारा, 14 दुनी 28 और 11 3 33, ये 33 है और ये 28 है, इन दोनों का अंतर सीधा लिख दो 5। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हो गई क्या? अगर ये बात क्लियर होगी तो अब W देखो जल्दी फास्ट बेटा, बताइए W इधर को करना होना 14 × 7, 14 × 7 = 98, और बेटा बताइए 11 × 8 = 88, इन दोनों का अंतर बताइए कितना बनेगा, तो इन दोनों का अंतर बनेगा 10, अरे बनेगा ना, तो इधर को लग दो। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आपको अगर ये बात क्लियर हो गई हो डायरेक्ट, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होकर ये आता, बस इसे सॉल्व कर लो, 5 × 10, 5 × 5 = 10, तो M upon W का रेशियो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2:1, इसका मतलब M का मान 2 है तो W का मान 1 है। बोलो ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो अब कुछ मत करिए भैया, अब कुछ मत करिए, सिंपल सी बात है कि अब इसको हटाइए, अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो इन दोनों को अब सॉल्व करते हैं, बात ख़त्म। हेलो, अब वैल्यू पुट करिए बेटा, M का मान कितना है 2, W का मान 1, M का मान 2, W का मान 1, M का मान 2, W का मान 1। बोलो क्लियर है? तो इधर को इक्वेशन क्या बनेगी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे बस बात खत्म। तो 3 × 6, 8 × 8, 8 × 6 = 14, 14 × 11 बराबर, 5 × 10, 4 × 4, 10 × 4 = 14 इंटू टी, 14 से 14 कटा तो टी बराबर डायरेक्ट आ गया 11 दिन। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट होगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा 11 दिन। बोलो क्लियर हुआ क्या, बोलो क्लियर हुआ क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा बेटा 11 दिन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ गए होंगे शायद मेरी बात, कैसे क्वेश्चन ख़त्म करना है, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई बताइए भाई, एक एक बात क्लियर हो गई क्या? तो डिफरेंट टाइप का जब भी ट्रिक क्वेश्चन आ जाए तो एफिशिएंसी माननी है, एक लाइन में पहले इक्वेशन लिखनी है, लास्ट वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, पहले दोनों पार्टों को कैलकुलेट करके एम और डब्ल्यू निकाल लीजिए, एम डब्ल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, और जब पुट करोगे तो जो लास्ट वाला पार्ट है उसको इसके बराबर बराबर करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपका टाइम आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर समझ में आ गई बात आपको? समझ आ गई, आप टाइप करके बताइए समझ आ गया नहीं आ गया, बस दैट्स इट, जल्दी बताइए टाइप करके सभी के सभी बच्चे ये बताएं कि आपको ये समझ आ गया या नहीं आ गया बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी फास्ट सभी के सभी आंसर बताएंगे, क्लियर है ना? वेरी गुड बेटा, अगर आपको क्लियर हो गया हो तो गुड न्यूज़ ये है, गुड न्यूज़ आपके लिए ये है क्या, कि द चैप्टर ऑफ टाइम एंड वर्क, द चैप्टर ऑफ टाइम एंड वर्क, द चैप्टर ऑफ टाइम एंड वर्क इज ओवर। गुड न्यूज फॉर यू, टाइम एंड वर्क इज ओवर फॉर GD, SSC GD के लिए आपका जो टाइम एंड वर्क है दैट इज ओवर। इज इट क्लियर? तो आपका बेटा गौर से सुन लीजिए, एफिशिएंसी वाला बेटा क्वेश्चन होगा तो मैं भी चेक करा देता हूँ, लेकिन पहली बार गुड न्यूज़ सुन लीजिए, टाइम एंड वर्क इज ओवर,
बेटा आपका टाइम एंड वर्क खत्म। एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं एसएससी जीडी ने, जिस जिस टाइप को उसने पूछा है, मैंने वो हर टाइप अच्छे से कवर अप कर दिया है। क्लियर है? मैंने आपको टाइम एंड वर्क में जो जो टाइप की एक्सपेक्टेशंस बनने वाली हैं और जो जो टाइप वो एसएससी जीडी पूछ रहा है, वो मैंने आपके हर टाइप को कवर अप कर दिया है। इज इट क्लियर टू एवरी वन? सर समझ में आया बात आपको? तो आज आपका ये चैप्टर टाइम एंड वर्क भी खत्म हो चुका है, ठीक है? अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। सर समझ में आ रही है बात आपको? और कल से आपकी रूटीन वही रहेगा 8 से 9, और आज भी वही रहा था 8 से 9, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया था आने में, उसके लिए आई एम से सॉरी टू यू। बेटा क्लियर है? ऑनलाइन है डी? ऑनलाइन है डी डी? ये क्या दिक्कत है बे? कुछ भी लिखे टाइप करे जा रहे बे, ठीक है? तो बेटा गौर से सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका चैप्टर, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने आपका क्या क्या चैप्टर खत्म कर दिए। प्लीज़ अब गौर से सुन लेना एक एक इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले मैंने आपका क्या क्या सिलेबस ओवर हो चुका है, जो सिलेबस आपका ओवर हो चुका है पहले वो सुन लीजिए, जो सिलेबस आपका ओवर हो चुका है वो देख लीजिए प्लीज़ फास्ट। जो जो चैप्टर मैं करा चुका हूँ मैं दोबारा यहाँ पर लिख दिया रहा हूँ। सबसे पहला जो मैं स्टार्टिंग की थी वो मैंने स्टार्टिंग की थी रेशियो से। रेशियो आपका अनुपात खत्म हो चुका है फ्रॉम माई साइड। रेशियो का हर वो टाइप जो जीडी पूछेगा या पूछ चुका है वो हर टाइप में खत्म कर चुका हूँ। इसके बाद मैंने पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप मतलब साझेदारी का जो चैप्टर था वो भी मैं खत्म कर चुका हूँ। दो चैप्टर क्लियर हुआ, दो चैप्टर ये हो गए। इसके बाद अगला चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको एवरेज। क्या पढ़ाया था? एवरेज, जो कि औसत। बेटा मैं ये भी आपका खत्म कर चुका हूँ। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको, दैट इज परसेंटेज, प्रतिशत। बेटा ये भी मैं खत्म कर चुका हूँ। इज इट क्लियर? इसके बाद पांचवा जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम बोलते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि ये भी मैं खत्म कर चुका हूँ। बेटा क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट सिक्स चैप्टर आपका आता है डिस्काउंट। बेटा ये भी मैं खत्म कर चुका हूँ, डिस्काउंट जिसे हम बोलते हैं बट्टा, ये भी मैं आपको ढंग से पढ़ा चुका हूँ। बेटा क्लियर है? सातवां चैप्टर मैंने आपको ऐसा ही खत्म कर दिया है, दैट इज साधारण ब्याज। साधारण ब्याज भी ओवर हो चुका है मेरी तरफ से। आठवां चैप्टर आपका सीआई है, दैट इज चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज ये भी मैंने खत्म कर दिया है आपको जीडी पॉइंट ऑफ व्यू से। और नौवां चैप्टर आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बेटा ये भी मैंने आज फिनिश कर दिया, समय तथा कार्य। समय तथा कार्य बोलो क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि आप चेक कर लीजिए कि मैंने आपके 9 चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं फ्रॉम द जीडी पॉइंट ऑफ व्यू। एसएससी जीडी के जितना चैप्टर मैंने ऑनलाइन पढ़ा दिया है, आप ये समझ लेना कि जितना मैंने पढ़ा दिया है वही टाइप एसएससी जीडी इस बार भी पूछने वाला है। क्लियर है? और जितने टाइप बनते हैं मैंने वो हर टाइप पढ़ाए हैं, और चैप्टर वाइज पढ़ाया है, टाइप वाइज पढ़ाया है। इज इट क्लियर? बारी बारी से काम करने वाला क्वेश्चन बेटा करवा दूंगा मैं, ठीक है? करवा दूंगा, चलो वो भी टाइप करवा दूंगा। एक वही टाइप रह गया था, मुझे पता था तुम लोग उसके पीछे भागोगे, ठीक है? चलो मैं वो क्वेश्चन अपनी तरफ से करा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार और बता दो लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है भैया? मैं लास्ट वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ। नो डाउट मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, कोई ये ना सोचे कि मैं जा रहा हूँ बस खिचड़ी पका रहा हूँ। यहाँ खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ बेटा। मैं जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाने को पढ़ाने की तरह से कराऊंगा, ठीक है? बस मैं आपको पहले ये काउंट करा रहा हूँ कि देखिए 9 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। टाइम एंड वर्क की मैंने वो बात कर, दो डाउट्स आ रहे हैं किसी बच्चे की टाइप होते हुए। एक डाउट ये है कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने कराया उसको एक बार रिपीट कर दो सर, और दूसरा डाउट ये आ रहा है कि सर जो बारी बारी से क्वेश्चन होता है एक वो भी क्वेश्चन करवा दो। तो मैं ये दोनों ही क्वेश्चन करवा देता हूँ, नो डाउट, सबकी रिक्वेस्ट मैं कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, और कोई हो तो मुझे बता दो, फिर मैं उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन दोबारा डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि देख लीजिए 9 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है? अब आपका बहुत ही एक दो चैप्टर और बचे हैं, दैट इज TDS, बोट एंड स्ट्रीम, ये भी मुझे कराने हैं, तो वो भी मैं करवा देता हूँ। पाइप एंड सिस्टम जैसे बचा है, पाइप और टंकी, TDS और आपका दैट इज बोट एंड स्ट्रीम, ये 3 चैप्टर बचे हैं, और ये 3 चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करा के फिर एक नंबर सिस्टम कराना है, और एक आपका सिर्फ क्या करवाना है, दैट इज एडवांस में 3D, बस सिलेबस ओवर। तो ज़्यादा अब दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि जब आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। क्लियर है? चलिए भाई, चलो मैं लास्ट क्वेश्चन अब डिस्कस कर देता हूँ प्लीज़। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर दोबारा डिस्कस कर दो, तो दोबारा डिस्कस करने वाला हूँ, बट आप गौर से सुन लेना, ठीक है? देखना भाई, दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, गौर से समझिए। लास्ट वाला क्वेश्चन,
बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर दोबारा डिस्कस कर दो, तो दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंट टाइप के लोगों बेटा, पहले तो ये समझिए बात सुन लो कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अगर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है तो पहले मान लीजिए कि एक आदमी एक दिन में काम करता है एम यूनिट हमारे अकॉर्डिंग, एक औरत एक दिन में काम करती है डब्ल्यू यूनिट हमारे अकॉर्डिंग। बोलो क्लियर है? अब क्वेश्चन को पढ़ते लाइन टू लाइन पढ़ के है ना, बस वर्क लिखना है आपको, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन के अंदर वर्क लिखना है बस। तो वर्क लिखना सीख लीजिए बस। दो पुरुष और सात महिलाएं, तो एक पुरुष एक दिन में एम यूनिट काम करता है, तो दो पुरुष एक दिन में दो एम काम करेंगे, और का मतलब हो गया प्लस। एक औरत डब्ल्यू यूनिट काम करेगी तो सात औरत सात डब्ल्यू काम करेगी, तो ये बेटा एक दिन में काम हो गया पूरा का पूरा। ये एफिशिएंसी है अभी, ये दो आदमियों का एफिशिएंसी है और ये सात आदमियों का एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी माने एक दिन का काम, एक दिन में इतना काम कर रहा हूँ और काम पूरा हो रहा है 14 दिन में, तो इनटू 14 कर दिया। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, तो बेटा टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क को दोबारा बोला गया है कैसे, एक पुरुष एम यूनिट काम करेगा तो तीन पुरुष थ्री एम काम करेंगे, प्लस एक औरत डब्ल्यू यूनिट काम करेगी तो आठ औरत आठ डब्ल्यू काम करेंगे, इनटू कितने दिन बेटा 11 दिन। बोलो क्लियर हुआ? ये वर्क हो गया बराबर। पांच पुरुष एक दिन में एम यूनिट, तो पांच पुरुष पांच एम, और का मतलब प्लस, चार औरत चार डब्ल्यू, कितने दिन इनटू टी। बेटा पहली बात, आपको ये लाइन इक्वेशन समझ आ गई या नहीं आ गई? आपको अगर ये इक्वेशन समझ आ गई तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली बात तो ये लाइन लिखना समझ आ गई आपको? अगर ये लाइन लिखना समझ आ गई हो तो आप कुछ ना करें, पहले तो आप इन दोनों पार्टों को एक साथ उठा लें, इन दोनों पार्टों को एक साथ उठा लें, और बाद में इन दोनों पार्टों को एक साथ उठा लें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका है दो सेक्शन, पहले इन दोनों को उठाइए। तो इन दोनों को मैं एक साइड लिख दे रहा हूँ दोबारा साफ साफ, 2m प्लस 7w इंटू 14 बराबर 3m प्लस 8w इंटू 11। एक तो ये सेक्शन उठा लिया और दूसरा सेक्शन इन दोनों को बराबर करना है, यानी कि 3m प्लस 8w इंटू 11 बराबर 5m प्लस 4w इंटू t। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब मैं एक एक बात लिख लिख के बता रहा हूँ, गौर से सुन लीजिए। आपकी डिमांड पर मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, वो आपकी डिमांड पर हर चीज़ लिख के सॉल्व कर रहा हूँ। मैं अपनी तरह से मैं क्वेश्चन को एक लाइन में ख़त्म कर देता, लेकिन मैं आपकी डिमांड पर हर चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया कैसे किया। तो देखिए मैंने किया, पहले इन दोनों पार्टों को बराबर करके एक तरफ सॉल्व किया, यहाँ से मैं रेशियो निकालूंगा। यहाँ से क्या निकालूंगा मैं? रेशियो। किसका रेशियो निकालूंगा बेटा? एम का और डब्ल्यू का। बोलो क्लियर है? और जब यहाँ से रेशियो निकलेगा तो इसको यहाँ पुट करूंगा, और यहाँ से फिर क्या निकाल दूंगा बेटा? सीधा सीधा आपका टाइम। बस मैं ये काम करूंगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो भाई, अब मैंने आपसे ये कहा था डायरेक्ट सॉल्व किया करेंगे, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये नहीं है कि 14 का गुणा कर रहे हो फिर ये कर रहे हो। आप 14 का गुणा करोगे, 11 का गुणा करोगे, फिर उन्हें जब इधर को ले जाओगे तो माइनस ही करोगे। तो इस काम को डायरेक्ट करके देखो। तो पहले एम को देखो एक साइड, 14 दूनी 28, इधर को ये 28 बन रहा है और ये बन रहा है 11 33। पहले डायरेक्ट ये एम को काउंट करके एक तरफ लिख दो, तो एक तरफ लिखेंगे तो डिफरेंस ही ले लेंगे डायरेक्टली, क्योंकि इधर को जाता तो 33 28 का डिफरेंस आ गया 5, तो 5m और डायरेक्ट बराबर। आप बताओ w यहाँ पे कितना बन रहा है? 14 7 98, और यहाँ w कितना बन रहा है? 11 88। इन दोनों का अंतर w लिख दो, तो इन दोनों का अंतर w आ गया 10w। 5 से 10 को काटा, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो यहाँ से m अपॉन w का रेशियो आ गया 2:1। बोलो यही मुझे निकालना था, m का वैल्यू आ गया 2 और w का वैल्यू आ गया 1। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? जैसी एम और डब्ल्यू का रेशियो आ गया, इन वैल्यूज को यहाँ पर कर दो, एम की वैल्यू 2 डब्ल्यू की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 2 डब्ल्यू की वैल्यू 1। अब आप बताइए 3 दूनी 6 8 एकम 8 8 6, ये हो गया 14 और गुणा 11 बराबर 5 दूनी 10 और 4 14 इंटू टी। बोलो क्लियर है? 14 से 14 काटा तो टी का वैल्यू डायरेक्ट आ गया 11 दिन। आंसर इज ओवर। इज इट क्लियर टू एवरी वन? तो चेक कर लीजिए आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया बेटा, चेक कर लीजिए। बोलो समझ में आ गई बात? चलिए भाई, अब एक डिमांड ये आ रही थी कि सर वो भी क्वेश्चन कर दो जो साइकिल वाला क्वेश्चन होता है, तो साइकिल वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, गौर से सुनना। साइकिल और जिसे हम बोलते हैं पैटर्न, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, गौर से सुनिए। मैंने कहा एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, गौर से सुनना। मैंने कहा व्यक्ति ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, कितने दिन में पूरा करता है? 10 दिन। और व्यक्ति बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है, कितने दिन में पूरा करता है? 15 दिन। मैंने कहा व्यक्ति ए ने काम स्टार्ट किया और बारी बारी से एक एक दिन के लिए ए और बी ने काम किया, ए और बी ने काम किया एक एक दिन, सबने कितने दिन काम किया बेटा? एक एक दिन। तो आप बताइए इस तरह काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? दैट इज अ कंप्लीट क्वेश्चन। बोलो समझ आ गया क्वेश्चन? तो अब सुन लीजिए पैटर्न वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सर हम कुछ नहीं करते, हम सबसे पहले जो हमें टाइम दिए गए उनके अकॉर्डिंग पहले वर्क निकालेंगे। तो बताओ 10 दिन में जो काम हो रहा है, 15 दिन में जो काम हो रहा है, वो काम सेम है, तो पहले वर्क को मान लीजिए आप। तो वर्क बताइए वो कौन सी वैल्यू जो 10 और 15 से कट रहे? 30। तो आपने काम मान लिया 30 यूनिट।
अगर काम 30 यूनिट है तो ए 10 दिन में अगर 30 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट, 15 दिन में 30 यूनिट तो एक दिन में 2 यूनिट, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए प्लस बी दोनों मिला के एक दिन में काम करेंगे 5 यूनिट। बोलो क्लियर हुआ है यहाँ तक? तो ए प्लस बी का काम आ गया 5 यूनिट। अब आप कुछ नहीं करेंगे, अब आप पैटर्न पर जाएंगे। किस पर जाएंगे बेटा? पैटर्न। अब यहाँ पर देख लीजिए, पैटर्न पैटर्न पर जाएंगे और सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले आप कुछ नहीं करेंगे, पहले आप एक पैटर्न का टाइम देखेंगे। तो पैटर्न यही रिपीट कर रहा है बेटा, ए बी ए बी ए बी, ए पैटर्न रिपीट करेगा। तो आप ए बी का पहले एक पैटर्न का वर्क लिखेंगे, पहले एक पैटर्न का वर्क लिखेंगे, एक पैटर्न का पहले आप वर्क लिखेंगे और एक पैटर्न का पहले टाइम लिखेंगे। तो आप बताइए एक पैटर्न में कितना काम हो रहा है। तो ए यहाँ पर कितना काम कर देगा, 3 यूनिट, और बी यहाँ पर कितना काम कर देगा, 2 यूनिट। तो पैटर्न में कितना काम हो जा रहा है बेटा, 5 यूनिट, 5 यूनिट काम हो जा रहा है। और टाइम कितना पूरा लग रहा है बेटा, एक और एक कितना हो गया, 2 दिन। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि 2 दिन में 5 यूनिट काम हो जाएगा। अरे बोलिए यार, अब 5 यूनिट के हिसाब से करवाना कितना है यूनिट, ये देखो 30 यूनिट। तो बेटा 5 यूनिट के हिसाब से 30 यूनिट काम करवाना है, तो सीधे सीधे 5 का कितना गुना आएगा बेटा, आप ये चेक कर लीजिए। तो 5 का कितना गुना आएगा, 6। बेटा ये गुना जो है ना, ये बताएगा मैं नंबर ऑफ साइकिल, क्या बताएगा, नंबर ऑफ साइकिल और नंबर ऑफ पैटर्न्स। इसका मतलब ये है कि 5-5 यूनिट के 6 पैटर्न 30 यूनिट काम करा देंगे, और हर पैटर्न कितने दिन लेके बैठा है, 2 दिन। तो बेटा बताओ 2 दिन के हिसाब से 6 पैटर्न यूज करने, तो दिन कितना आएंगे बेटा, 12 दिन। तो इसका मतलब जो मल्टीपल वर्क का आए वही मल्टीपल टाइम पे यूज कर लेना, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, बात खत्म। बोलो समझ आया? बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ गए? चलो एक एग्जांपल और सेट करते हैं और वो सुनिए वो क्या है। यही क्वेश्चन रहेगा, बस अब मैं दोबारा से कर रहा हूं क्वेश्चन, वो सुन लीजिए। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं कि मान लो ए करता है 15 दिन में और बी करता है 20 दिन में। अब आप बताइए, अब मैं दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं, गौर से समझना। तो बेटा बताइए 15 दिन और 20 दिन का कॉमन मल्टीपल कितना आएगा, तो आप कहेंगे 60 यूनिट। तो आप वर्क को मान लीजिए 60, 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4 यूनिट, 20 दिन में 60 तो एक दिन में 3 यूनिट, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना करेंगे, 7 यूनिट। बोलो क्लियर है? तो अब पैटर्न को देखिए, पैटर्न तो ए बी का रिपीट करेगा, ए बी का रिपीट करेगा, तो ए एक दिन में कर देगा 4 यूनिट, ये कर देगा 3 यूनिट। तो एक पैटर्न यही रिपीट करने वाला है, तो काम कितना पूरा होगा बेटा बताइए, 7 यूनिट, और ये टाइम कितना लेगा बेटा, एक और एक 2 दिन। बोलो इतनी बात समझ आ गई बात? अब 7 यूनिट के हिसाब से करवाना कितना है, तो करवाना है 60। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली जो एक पैटर्न का वर्क था उससे डायरेक्टली मल्टीपल सेट हो गया था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीपल सेट नहीं हुआ। अगर डायरेक्ट मल्टीपल सेट ना हो तो आप बताइए 7 के हिसाब से अगर 60 यूनिट वर्क कराने जाओगे तो या तो 56 यूनिट पूरा हो सकता है 7 के हिसाब से, या फिर आपका डायरेक्टली 63 यूनिट पूरा हो सकता है। लेकिन 60 तो कभी मल्टीपल में आएगा ही नहीं 7 के में, 7 के पाड़े में कभी 60 आएगा नहीं, या तो 56 आएगा या 63 आएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट मल्टीपल ना बने तो आपको एक्स्ट्रा काम नहीं कराना, आपको छोटा काम कराना है। तो आपको 60 अगर नहीं करवा सकते हो आप, तो इससे 60 छोटा मल्टीपल कंप्लीट कराएंगे 7 के हिसाब से। तो 7 के हिसाब से कितना काम करवाएंगे बेटा, 56 यूनिट। बोलो क्लियर हुआ? तो कितना मल्टीपल आ गया, 8। तो बेटा इसका मतलब 7-8 यूनिट के 8 पैटर्न चाहिए, जितना मल्टीपल वर्क का है उतना ही मल्टीपल टाइम पर सेट कर दो, तो 8 × 2 = 16 दिन। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो इसका मतलब 16 दिन के अंदर 56 यूनिट काम तो हो गया होगा। अब जहाँ काम हो गया होगा पैटर्न के हिसाब से, उसके बाद टर्न तो उसी का आएगा जो साइकिल में पहले बैठा है। तो अब आगे जो टर्न आएगा वो किसका आएगा बेटा, ए का। ए काम कितना कर सकता है, 4 यूनिट, और काम बचा कितना है बेटा बताइए, 56 के बाद में कितना बचा है 60 करवाने के लिए, 4 यूनिट, और 4 यूनिट वो कर सकता है। तो सीधा सीधा ए 4 यूनिट काम कर देगा और पूरा एक दिन ले लेगा। तो इसका मतलब ये है कि 60 यूनिट काम करने में टोटल टाइम कितना लगा, तो 16 × 1 = 17 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 17 दिन। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले एक पैटर्न का आपको वर्क और टाइम निकालना है और एक पैटर्न के वर्क से आपको टोटल वर्क करवाना है, या तो वो डायरेक्ट मल्टीपल मिल जाएगा, अगर वो डायरेक्ट मल्टीपल ना मिले तो उसे छोटा मल्टीपल सेट करा के आप पहले उसे पूरा कराएंगे और उसके बाद जो भी वर्क बचेगा उसे पैटर्न में कंप्लीट कराएंगे। दैट इज अ वे टू डू द क्वेश्चन ऑफ पैटर्न्स। क्लियर है या नहीं है? बोलो समझ में आ गई बात या नहीं आएगी? इज इट क्लियर? तो मैंने आपके सारी डिमांड पे सारे तरह के क्वेश्चन करा दिए। तो फ्रॉम माई साइड अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मैं इस चैप्टर को कह रहा हूँ अलविदा। फ्रॉम माई साइड अब आपके इतने सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, गौर से सुन लीजिए। फ्रॉम माई साइड दीज ऑल आर द चैप्टर्स आर ओवर, दीज ऑल चैप्टर्स आर ओवर फ्रॉम माई साइड। क्लियर है भाई? तो अब इसके बाद आपके 3 चैप्टर और बचे हैं और वो चैप्टर और करा के बात खत्म हो जाएगी। तो बेटा क्लियर हुआ? समझ गए आप?
तो जितने बच्चे आप ये कहते थे कि भाई हाँ देखो सिलेबस नहीं होता, सिलेबस नहीं होता, एक प्रॉपर पैटर्न में ही सिलेबस पूरा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है भाई, चलिए बेटा, अब आप मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है आपके लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है। ठीक है, चलिए बेटा, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं फिर 8 बजे। ठीक है बेटा, चलिए भाई। बेटा मैंने अनहाइड कर दिए हैं, अनहाइड कर दिए मैंने वीडियोस, ठीक है, आप उन्हें देख लें। ठीक है भाई, चलो।